बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अफजल, आपको स्टूडियो में वेलकम कहता हूं। इस वीडियो में आप लोगों के साथ बात करूंगा लोकल गवर्नमेंट एंड ये लोकल गवर्नमेंट डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो अंदर जो जॉब्स आई हैं उसके हवाले से, एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो जॉब्स हैं उसके हवाले से, कैसे इसमें अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म ये आप लोगों को कहाँ से मिलेगा, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे आपने इसको सबमिट करवाना है, लास्ट डेट क्या है, क्वालिफिकेशन कितनी रिक्वायर्ड है, एक्सपीरियंस कितना रिक्वायर्ड है, कंप्लीट डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और वीडियो को एडवर्टाइजमेंट की तरफ, एडवर्टाइजमेंट को चेक करते हैं। एडवर्टाइजमेंट आप लोगों के सामने, सबसे पहले उनको कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, एक स्केल है। क्वालिफिकेशन की बात करें, इंटरमीडिएट आईटी के अंदर होना चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं डिप्टी मैनेजर की, तो ये भी एक स्केल है, बीएससी सिविल होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर की बात करें वाटर सप्लाई सर्विस का, बीएससी सिविल में होना चाहिए, एक पोस्ट है। असिस्टेंट मैनेजर सॉलिड वाटर मैनेजमेंट की बात करें तो इसके अंदर भी बीएससी मैकेनिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। फाइनेंस एंड रेवेन्यू ऑफिसर की बात करें 16 पोस्टें हैं, एक मतलब कि ऊपर वाले भी 16 हैं, ये दोनों एक एक तहसील की एक एक सीट है। बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री होनी चाहिए, 3 साल तजर्बा होना चाहिए। रिसर्च एनालिस्ट की बात करें बीएससी या कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, 16 सीटें, एक तहसील की एक सीट है, 3 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। एसोसिएट इंजीनियर की बात करें सॉलिड वाटर मैनेजमेंट, 16 सीटें हैं, डिप्लोमा होना चाहिए, इंजीनियरिंग के अंदर डी ए या बी टेक होना चाहिए, 2 साल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। इनका जो फॉर्म है वो आपने डाउनलोड करना है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से जाके। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ये लोकल गवर्नमेंट डॉट जॉब भी ओपन है, मैंने आप लोगों के सामने की हुई है, ये आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। कैसे फॉर्म डाउनलोड करना है आप लोगों को बताता हूँ। 22 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है, 4 बजे तक आपकी जो है वो दरख्वास्त वहाँ पे पहुँच जानी चाहिए, उससे लेट होगी तो इंटरटेन नहीं की जाएगी। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाएंगे, डिग्री आपकी अच्छे से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वहाँ से वेरीफाई करवाएंगे, 3 साल एक्सपीरियंस जो है वो पोस्ट क्वालिफिकेशन का होना चाहिए, एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल के मुताबिक है। शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को बुलाएंगे, TADA नहीं देंगे, और इनवेलप के ऊपर जो है वो टॉप पर आपने मैंशन करना है कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, कौन सी अच्छा जो कैंडिडेट सेलेक्ट होगा वो किसी भी तहसील में जो है उसकी पोस्टिंग हो सकती है, ये भी आपने जेहन में रखना है। पंजाब रूरल मल्टीप्लेक्स सर्विस कंपनी, 5th फ्लोर KD प्लाजा, MM आलम रोड, लाहौर, यहाँ पे आपने दरख्वास्त ये जमा करवानी है। फ़ोन नंबर मौजूद है, कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए ले सकते हैं 042-3640-7384, यहाँ से आप कॉल करके ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है, यहाँ पर आने के बाद आप इधर से सिंपल जो है वो नीचे आ जाएंगे, नीचे आने के बाद आप यहाँ से जॉब्स पर क्लिक करेंगे। जॉब पर क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपने घबराना नहीं है, ये लास्ट डेट जो है पिछले साल की आ रही है, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे जो है ना इनका जो फॉर्म है वो यहाँ पे ये पड़ा हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म, इसका आपने क्लिक करना है तो ये आपके पास फॉर्म आ गया। इसी फॉर्म को आपने डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके यहाँ पे आपने सारा कुछ लगा के अपनी तस्वीरें वगैरह अपना इसको सारा फिलअप करके इसके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगा के क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस वगैरह सारी चीज़ें जो है वो आपने इसमें जो है वो मैंशन करनी है। मैंशन करने के बाद आप इसको जो है वो अटैच करके जो है वो फिर उसको भेज देंगे। तो ये सारा फॉर्म है, क्योंकि ये एडवर्टाइजमेंट का उन्होंने मेंशन किया हुआ है तो यही फॉर्म साथ लगना है, तो इसको आपने फिलअप करके तो वहाँ पे भेज देना है। अगर मैं कुछ चीज़ मिस कर गया हूँ तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दिया, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को लास्ट में क्लिक करिएगा, ताकि हर लेटेस्ट जॉब की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, भाई को दुआ में याद रखें, खुदा हाफिज़।